आवाज आ रही है? क्लियर ओके, नाउ वी विल स्टार्ट। तो लास्ट फोर लेक्चर्स, दिस इज आवर फिफ्थ लेक्चर। ओके, फिफ्थ लेक्चर ऑफ पोर्शन वन ऑफ यूनिट थ्री। सो लास्ट चार लेक्चर्स में हमने फर्स्ट पोर्शन को ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। अब जो पढ़ेंगे लास्ट पोर्शन इसका बचा हुआ है। तो हमने चार पोर्शन में चार मेन टॉपिक कवर किए। एक वेक्टर एटम मॉडल से रिलेटेड था, एक स्टर्न गर्लिक एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड था, और उसके बाद क्वांटम नंबर से रिलेटेड से एक लेक्चर था, और एक लेक्चर जो हमने लास्ट पढ़ा है कपलिंग से रिलेटेड, LS और JJ कपलिंग। ये चार बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हमने कवर कर लिए और तीन का ऑलमोस्ट स्टडी मटेरियल मैंने शेयर कर दिया है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द लास्ट टॉपिक ऑफ फर्स्ट पोर्शन ऑफ यूनिट नंबर थ्री। तो दिस इज द पोर्शन ऑफ यूनिट नंबर थ्री, और इसमें जो हम पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रा के बारे में। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्पेक्ट्रा होता क्या है। स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रा क्या होता है? कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, स्टार्टिंग में हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बताया था मैंने कि एटॉमिक एंड मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, उसी के अंदर ये टॉपिक आता है एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन स्पेक्ट्रा। तो एक्चुअली स्पेक्ट्रा क्या होता है, किसी भी मैटर को तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से इल्यूमिनेट करो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब लाइट इंटरेक्ट कर रहा है एटम के साथ, मॉलिक्यूल के साथ, जो आउटपुट हमें मिलता है दैट विल बी कॉल्ड एज स्पेक्ट्रा। तो स्पेक्ट्रम क्या होता है, फॉर सपोज करो कि एक तुमने टॉर्च जला लिया, ठीक है, टॉर्च को जला लिया तो टॉर्च से क्या होगा, लाइट आएगी, और कोई भी बीच में ऑब्स्टेकल नहीं है तो टॉर्च की लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो तुमने इंटेंसिटी रिकॉर्ड कर लिए, टॉर्च की इंटेंसिटी ज़्यादा थी। अब बीच में तुमने पेपर रख दिया, पेपर रखा बीच में, पेज रखा, और फिर टॉर्च उस पर मारा, तो जो टॉर्च पेपर से ट्रांसमिट होगा, जो लाइट पेपर से ट्रांसमिट होगी वो कम होगी, क्योंकि पेपर क्या करेगा, थोड़ा बहुत लाइट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, और बाकी सब ट्रांसमिट करेगा। तो उसमें जब ट्रांसमिशन से जो लाइट आएगी उसमें इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो हम क्या कर रहे हैं, इंटेंसिटी की स्टडी कर रहे हैं, किसकी, लाइट सोर्स की। तो वेदर इट इज इमिटेड मतलब वो ट्रांसमिट हो रहा है या फिर एब्जॉर्ब हो रहा है, इस तरीके की हम इंटेंसिटी की स्टडी करते हैं लाइट की विथ रिस्पेक्ट टू इट्स वेवलेंथ, क्योंकि लाइट की एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी। अगर हम सनलाइट की बात करें, सनलाइट से जो लाइट आता है वाइट लाइट आता है, तो उसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं। सनलाइट से जो लाइट आता है उसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, लेकिन हमको वो कलर दिखते हैं क्या, नहीं, वो व्हाइट लाइट दिखता है हमें। क्यों व्हाइट लाइट दिखता है, क्योंकि सारे कलर्स के वेवलेंथ उसमें मर्ज होते हैं, इसलिए हमें वो व्हाइट लाइट दिखता है। इसका मतलब उसका एक वेवलेंथ है क्या, नहीं, उसमें सारे कलर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो बारिश आ रही है और अगर धूप भी है, तो उसमें क्या होगा कि लाइट का इंट्रैक्शन बारिश के बूंदों से ड्रॉपलेट के साथ होगा, तो हमको रेनबो दिखाई देता है। तब जाके हमको पता चलता है कि व्हाइट लाइट में कलर्स है। वो डायरेक्ट पता नहीं चलेगा, कब पता चलेगा, जब डिस्पर्शन होगा। डिस्पर्शन मतलब जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल सनलाइट वाटर ड्रॉप्स पे पड़ रही है, तो डिस्पर्शन होता है लाइट का, तो ड्रॉपलेट्स एक्ट एज अ प्रिज्म। और हमने जब लैब में भी, इसके पहले तुमने फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में एक्सपेरिमेंट किया होगा, प्रिज्म बीच में रखो, यहाँ से व्हाइट लाइट पास करो, तो प्रिज्म क्या करता है, व्हाइट लाइट के अंदर जितने भी वेवलेंथ है सबको सेपरेट करता है, तो हमको क्या दिखता है, रेनबो की तरह सात कलर्स दिखते हैं, दैट कलर विल बी कॉल्ड एज विबग्योर, ठीक है। तो ये सब क्या है, कलर स्पेक्ट्रम हो गया, वो विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम हो गया। जो विजिबल लाइट है सनलाइट से जो लाइट आ रहा है वो विजिबल लाइट है, और विजिबल लाइट में सात कलर्स के कंपोनेंट है, इसलिए वो सात कलर्स के स्पेक्ट्रम को क्या बोलेंगे, विजिबल स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम मतलब क्या, द स्पेक्ट्रम इज अ सिंपली चार्ट और ग्राफ दैट शो इंटेंसिटी ऑफ लाइट। स्पेक्ट्रम क्या बताता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और ये भी बताता है कि लाइट की इंटेंसिटी एडमिटेड हो गई या एब्जॉर्ब हो गई ओवर द रेंज ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ अलग अलग होगी, हर कलर की वेवलेंथ अलग अलग होगी, लाइट हर लाइट सोर्स की वेवलेंथ अलग अलग होगी। तो स्पेक्ट्रम ये बताता है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट कितनी एब्जॉर्ब, कितनी इमिट हुई ओवर द वेवलेंथ रेंज, ओवर द एनर्जीज। तो कलेक्शन ऑफ स्पेक्ट्रम मीन्स स्पेक्ट्रा, ऐसे ही सारे स्पेक्ट्रम का कलेक्शन मीन्स स्पेक्ट्रा। तो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम, एंड व्हाट इज स्पेक्ट्रा, द कलेक्शन ऑफ स्पेक्ट्रम इज स्पेक्ट्रा। नाउ सी दिस पिक्चर, ये पिक्चर तुम्हें दिख रहा होगा,
इस पिक्चर में देखो कि व्हाइट लाइट क्या होगी, प्रिज्म के एक फेस पे पड़ रही है, ओके। व्हाइट लाइट प्रिज्म के एक फेस पे पड़ रही है और दूसरे फेस से वो व्हाइट लाइट सेपरेट हो रही है सात कंपोनेंट्स में। अभी मैंने एग्जांपल रेनबो का दिया, उसी तरीके से रेनबो में क्या होगा, जब बारिश भी आती है और धूप भी आती है, तो धूप जो भी है, लाइट के जो लाइट के रेज है वो ड्रॉपलेट्स पे पड़ते हैं तो रेनबो हमें नजर आता है। उसी तरीके से अगर यही एक्सपेरिमेंट हमें लैब में करना है तो सनलाइट लो, व्हाइट लाइट लो, ठीक है। व्हाइट लाइट में सेवरल कंपोनेंट्स ऑफ वेवलेंथ होती है, सेवन कंपोनेंट्स ऑफ वेवलेंथ। जैसे ही प्रिज्म से पास करोगे सेवन कलर्स में डिवाइड होगी, दैट द पैटर्न विल बी विबग्योर। इस फॉर्मेट में वॉयलेट का वेवलेंथ कम होगा, रेड का ज्यादा होगा, इसलिए इस पैटर्न में अरेंज होगी। विबग्योर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, दिस द सिस्टमैटिक पैटर्न फ्रॉम लोअर वेवलेंथ टू हायर वेवलेंथ। तो वी मतलब वॉयलेट की कम वेवलेंथ रहेंगी, रेड की ज्यादा वेवलेंथ रहेंगी। तो ये स्पेक्ट्रम किस तरीके से दिखेगा, ये देखो इस तरीके से स्पेक्ट्रम दिखेगा। इसका वेवलेंथ कहां से कहां तक होगा, 400 से 400 टू 800 नैनोमीटर, फ्रॉम वॉयलेट कलर टू रेड कलर, वॉयलेट से रेड कलर की तरफ इस तरीके से स्पेक्ट्रम अरेंज होगा। तो ये स्पेक्ट्रम किस तरीके से अरेंज हो रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ, और ये कलर की इंटेंसिटी के हिसाब से। तो सबसे जो कलर की इंटेंसिटी के हिसाब से वेवलेंथ अरेंज हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड विजिबल स्पेक्ट्रम, कलर स्पेक्ट्रम। तो विजिबल लाइट में कितने कलर्स होते हैं, मेन कंपोनेंट कलर्स होते हैं सेवन, एंड इट विल बी अरेंज्ड एज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ फ्रॉम 400 टू 800 नैनोमीटर, फ्रॉम वॉयलेट टू रेड, ओके। दिस फिनोमिना इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ओके। और अगर मान लो कि इसी को मैं अगर ग्राफ में प्लॉट करूंगा, तो ग्राफ में कैसे प्लॉट करूंगा इसी स्पेक्ट्रा को, ये तो हमें कलर स्पेक्ट्रम में हमने एक स्केल पे दिखा दिया। अगर हमने ग्राफ में प्लॉट करना है तो कैसे दिखाएंगे, इंटेंसिटी रहेगा वाई एक्सिस पे, एनर्जी या वेवलेंथ रहेगा एक्स एक्सिस पे। एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन तुमको पता है, ई इज इक्वल टू एच न्यू, फोटोन का एनर्जी एच न्यू होता है, न्यू मतलब सी बाय लैम्डा, एच सी बाय लैम्डा, तो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो इस तरीके से जब हम अरेंज करते हैं इस ग्राफ को, तो इसको भी स्पेक्ट्रा कहते हैं, ठीक है। वो स्पेक्ट्रा मतलब ये जो हो रहा है ग्राफ, स्प्रेडिंग ओवर द रेंज ऑफ वेवलेंथ, ओवर द रेंज ऑफ एनर्जी, ओके। दिस इज कलर स्पेक्ट्रम। अब देखेंगे कि एक्चुअली एब्जॉर्प्शन और इमिशन होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय एब्जॉर्प्शन एंड व्हाट डू यू मीन बाय इमिशन। फॉर एग्जाम्पल, एक डेली लाइफ का एग्जाम्पल पकड़ो कि अगर कोई चीज गर्म है, इफ सपोज एक आयरन ब्लॉक है या एक कोई सरफेस है, जैसे कोई वुडन टेबल या मेटालिक टेबल है, उस पर लाइट पड़ रही है और गर्म हो गया, धूप में है गर्म हो गया, तुम जैसे उसको हाथ लगाते हो, तुम्हें क्या होता है कि तुम्हें फील होता है कि इट इज हॉट और तुम हाथ निकाल देते हो, ठीक है। क्यों हॉट फील होता है, क्योंकि वो जो मेटालिक टेबल है उस पर लाइट पड़ी, वो गर्म हो गया, मतलब वो हीट इमिट कर रहा है, वो हीट क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है, और तुम उस पर हाथ रख रहे हो तो तुम हीट क्या कर रहे हो, एब्जॉर्ब कर रहे हो, ठीक है। सो यू आर एब्जॉर्बिंग दैट हीट रेडिएशन, दैट्स वाई दिस फिनोमिना इज एब्जॉर्प्शन, एंड दैट मेटालिक टेबल इज इमिटिंग द रेडिएशन, वो रेडिएशन छोड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड इमिशन, ओके, दैट इज द एब्जॉर्प्शन। अगर तुमने उस पर हाथ रखा और तुम्हें गर्म महसूस हुआ, तो तुम्हारा हाथ क्या कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए उसको गर्म लग रहा है। और इमिट मतलब वो मेटालिक टेबल हीट छोड़ रहा है, हीट इमिट कर रहा है, वो हीट लीव कर रहा है, इसलिए वो इमिशन। सिंपल एग्जाम्पल अगर एटॉम का एग्जाम्पल ले, तो क्या होता है, अब सपोज करो कि ये है स्फेरिकल एटम, स्फेरिकल एटम है और उसका एनर्जी लेवल है E1, ग्राउंड स्टेट पे है, कुछ ग्राउंड स्टेट पे एटम, कोई भी ग्राउंड स्टेट पे उसका एनर्जी लेवल है E2, और ये है ऊपर एक्साइटेड स्टेट जिसका एनर्जी लेवल है E2। एटम, जब तक हम एटम को पुश नहीं करेंगे, मतलब जब तक एटम को हम कोई एक्सटर्नल एनर्जी नहीं देंगे, मतलब एक्सटर्नल लाइट नहीं देंगे या फिर टेम्परेचर नहीं देंगे या फिर कोई फोर्स नहीं देंगे, तब तक वो एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएगा, वो स्टेबल ही रहेगा और ग्राउंड स्टेट पे भी रहेगा, ठीक है। सपोज करो कि मैंने इसको एक एनर्जी दे दिया, लाइट दे दिया, उसके ऊपर मैंने लाइट डाली, ठीक है, लाइट मैंने डाली, सपोज करो उस लाइट का एनर्जी एच न्यू था। एच न्यू क्यों लिखा, क्योंकि लाइट क्या है, फोटोन है, फोटोन का एनर्जी होता है एच न्यू, ओके, ई इज इक्वल टू एच न्यू। तो फोटोन मैंने उसको, उसके ऊपर फोटोन बॉम्बार्ड किया, मतलब लाइट उस पर डाली, तो एटम क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया, एटम ने वो लाइट को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, तो दैट इज एब्जॉर्प्शन, ओके। अब तो वो एनर्जी ले लिया है, तो एटम की एनर्जी बढ़ गई, अभी तो वो अनस्टेबल हो गया, तो वो क्या होगा, ग्राउंड स्टेट पे नहीं रहेगा, उसकी एनर्जी बढ़ने के कारण वो क्या होगा,
सीधा वो हायर एनर्जी लेवल पे चले जाएगा, दैट इज एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में चले जाएगा, हायर एनर्जी लेवल पे चले जाएगा। ओके, कैसे चले गया? उस एटम ने क्या किया? एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्प्शन किया, इसलिए वो एक्साइटेड स्टेट में चलेगा। अब एक्साइटेड स्टेट में उसकी एनर्जी है, तो एक्साइटेड स्टेट में एटम स्टेबल नहीं रहता है, वो अनस्टेबल हो जाता है। तो फिर से वो एटम क्या करेगा? ग्राउंड स्टेट पे आने की कोशिश करेगा। ओके, ग्राउंड स्टेट पे आने की कोशिश करेगा वो एटम। और वो एटम ग्राउंड स्टेट पे जब आएगा, तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कम है, तो वो जितनी एनर्जी उसने लिया है उतनी एनर्जी उसको इमिट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो जैसे ही ग्राउंड स्टेट पे आएगा, इस तरीके से वो अपनी जितनी एनर्जी लिया था उतनी एनर्जी, एच न्यू एनर्जी इमिट करेगा। सो दैट इज कॉल्ड इमिशन। उसको क्या बोलेंगे? इमिशन। एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी पे गया, इमिट करके लोअर एनर्जी पे आया। जब इमिशन होगा तो लोअर एनर्जी पे आएगा, एब्जॉर्प्शन होगा तो हायर एनर्जी पे जाएगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन। ओके, तो अब हम देखेंगे कि एक्चुअली एब्जॉर्प टाइप जो होते हैं स्पेक्ट्रा के, दो अभी हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े, एब्जॉर्प्शन और इमिशन। तो अब देखेंगे कि टाइप्स कितने होते हैं स्पेक्ट्रा के, देखेंगे टाइप्स कितने होते हैं। तो टाइप्स होते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एंड इमिशन स्पेक्ट्रा। ओके, देयर आर टू टाइप्स, एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन स्पेक्ट्रा। ओके, तो इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस पढ़ने के लिए सिंपली मैंने ये, कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन स्पेक्ट्रा। तो दीज फोर पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो ये फोर अगर 2-3 मार्क्स के लिए आएगा तो ये पॉइंट्स तुम लिख सकते हो। तो क्या क्या डिफरेंस है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कैसे क्रिएट होता है? व्हेन एटम्स एब्जॉर्ब एनर्जी। जब एटम्स ने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस हो गया। जब एटम ने रिलीज कर दी एनर्जी, इमिट कर दी, तो इमिशन स्पेक्ट्रा, एक में एब्जॉर्प्शन दूसरे में इमिशन। ठीक है, अब अगर स्पेक्ट्रा दिखता कैसे है, अगर हम देखेंगे तो इट कंसिस्ट ऑफ डार्क लाइन्स और गैप्स इन द स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन ये कैसे दिखता है वो आगे हम पढ़ेंगे। अब डिफरेंस के लिए बस इतना पता चाहिए कि इट कंसिस्ट ऑफ डार्क लाइंस और गैप्स इन द स्पेक्ट्रा। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में डार्क लाइंस दिखेंगे, ओके, कलर बैकग्राउंड पे डार्क लाइंस दिखेंगे, और यहां कलर लाइन दिखेंगे डार्क बैकग्राउंड पे। ये उल्टा कैसा दिखेगा आगे हम जब इसके टाइप्स पढ़ेंगे आगे की स्लाइड्स में, तब मैं उसको अच्छे से तुम्हें विजुअलाइज होगा। अभी सिर्फ इतना पॉइंट याद रखो, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मतलब डार्क लाइंस इन कलर बैकग्राउंड, और इमिशन स्पेक्ट्रा मतलब कलर लाइंस इन डार्क बैकग्राउंड। ओके, और नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे इसका एग्जाम्पल क्या है। डार्क सोडियम लाइंस आर एब्जॉर्ब। ओके, इसका एग्जाम्पल क्या है? डार्क सोडियम लाइंस आर ऑब्जर्व बाय पुटिंग सोडियम वेपर इन द पाथ ऑफ कंटिन्यूअस लाइट। अगर मान लो कि तुम एक लाइट सोर्स पे बीच में सोडियम रख रहे हो, तो ठीक है, सोडियम रख रहे हो तो सोडियम क्या करेगा? कुछ लाइट की वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर लेगा। इसलिए सोडियम के हमको D1 और D2 लाइंस दिखेंगे। वो कैसे दिखेंगे हम अगले स्लाइड में देखेंगे। अब बस इतना जान लो कि एब्जॉर्प्शन जो है, सोडियम अगर किसी भी पाथ के लाइट में कोई भी बैरियर रखा, कोई भी एटम रखा, कोई भी एलिमेंट रखा, तो वो एलिमेंट पर्टिकुलर लाइट की कुछ वेवलेंस को एब्जॉर्ब, सारे के सारे वेवलेंस एब्जॉर्ब नहीं करेगा, कुछ वेवलेंस को एब्जॉर्ब करता। तो सोडियम क्या करता है? दो वेवलेंस को एब्जॉर्ब करता है। इसलिए हम सोडियम के लाइंस को बोलते हैं D1 एंड D2 लाइंस। और इमिशन का बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, तो अगर मान लो कि हमारा बल्ब जल रहा है, टंगस्टन फिलामेंट बल्ब को हमने ही करंट देके जला रहे हैं, तो टंगस्टन क्या करेगा? हीट प्रोड्यूस करेगा। अगर उसको हम स्पेक्ट्रोमीटर से देखेंगे या फिर उसको हम प्रिज्म के थ्रू देखेंगे तो हमको इमिशन स्पेक्ट्रा मिलेगा। या फिर आयरन को अगर हीट कर दिए, हॉट कर दे, तो आयरन हीट इमिट करेंगे। हीट मतलब रेडिएशन इमिट कर रहा है, और उस रेडिएशन का भी पर्टिकुलर वेवलेंथ होगा। ठीक है, तो कोई भी सोर्स से जो भी लाइट इमिट हो रही है, अगर उसको हम एनालिसिस करेंगे तो वो इमिशन स्पेक्ट्रा हो गया। अगर कोई भी लाइट के बीच में कोई भी चीज़ हम रखते हैं, एटम रखो, कुछ भी रखो, एलिमेंट रखो, अगर वो लाइट के कुछ चीज़ें को जो वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो दैट विल गिव अ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ओके, फोर्थ मेन पॉइंट है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में क्या होगा कि एटम्स हायर एनर्जी पे चले जाएंगे एब्जॉर्ब करके। एब्जॉर्प्शन फिनोमिना में जब एटम कोई भी चीज एब्जॉर्ब करेगा तो हायर एनर्जी पे चले जाएगा। इमिशन स्पेक्ट्रा में क्या होता है कि एटम हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आता है आफ्टर इमिशन। तो ये अभी हमने उस डायग्राम में जब डिस्क्रिप्शन, जब डायग्राम में मैं एनिमेशन दिखा रहा था, तो दिखाया था कि एब्जॉर्प्शन में एटम एनर्जी एक्वायर करके हायर एनर्जी लेवल में जाता है, इमिशन में एटम एनर्जी छोड़ता है, एनर्जी लीव करते हुए
नीचे ग्राउंड स्टेट पे आता है। ओके, तो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं, ये ठीक है। तो अभी देखो, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मतलब अगर कोई भी लाइट व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पास थ्रू एन एब्जॉर्बिंग मटेरियल, मटेरियल बीच में होना चाहिए तभी वो एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। और फिर उसमें से सारे के सारे वेवलेंथ तो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, कुछ वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा और बाकी सब उससे ट्रांसमिट हो जाएंगे। फिर वो ट्रांसमिट रेडिएशन को हम प्रिज्म लगा के देखेंगे, फिर वहां वो जो स्पेक्ट्रा आएगा उसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ओके, व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पास थ्रू एब्जॉर्बिंग मटेरियल, मटेरियल बीच में होना चाहिए जो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करे। सारा रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा क्या? नहीं, कुछ ही वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा, बाकी तो निकल जाएंगे। और जो निकल जाएंगे उसका स्पेक्ट्रा जब हम रिकॉर्ड करेंगे तब पता चलेगा कि उसमें कौन कौन से वेवलेंथ को उसने एब्जॉर्ब किया था, ठीक है। ये एग्जाम्पल देखो, इस एग्जाम्पल से पता चलेगा। हॉट सोर्स ऑफ लाइट, ओके, व्हाइट लाइट है या फिर सनलाइट हॉट सोर्स ऑफ लाइट है या कोई भी बल्ब है जो हॉट है, ठीक है, जिसको हीट है, जिसका टेम्परेचर है, वो कोई ना कोई रेडिएशन छोड़ रहा है, ठीक है। तो ये हॉट सोर्स ऑफ लाइट, उसमें से लाइट आ रही है। ओके, तो ये देखो लाइट आ रही है, इस लाइट के बीच में मैंने एब्जॉर्बिंग मटेरियल रख दिया। अब ये है एब्जॉर्बिंग मटेरियल, कोल्ड हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस को लग दिया, ये एब्जॉर्बिंग मटेरियल का काम करती है। कोल्ड हाइड्रोजन गैस मतलब कोल्ड गैस है हाइड्रोजन की, जिसमें हाइड्रोजन के ये जो दिख रहे हैं एटम्स है हाइड्रोजन के। ओके, ये कोल्ड है, ये हॉट सोर्स है, हॉट सोर्स से लाइट आ रही है, गर्म वाली लाइट आ रही है, हॉट सोर्स से हीट आ रही है। अब कोल्ड हाइड्रोजन गैस ने क्या किया, इस हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब सारे के सारे रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं करेगा, अब ये जो आइटम्स हो गए हाइड्रोजन के, ये क्या करेंगे कि लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे। जो जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेंगे, अब कुछ कुछ वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर लिया, कुछ कुछ लाइट, कुछ पोर्शन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब कर लिया, बाकी तो निकल गया बाहर, ठीक है, बाकी निकल गया। फिर बाद में हम क्या करेंगे, बाकी जो निकल गया उसको प्रिज्म से एनालिसिस करेंगे, प्रिज्म से जब पास करेंगे तो हमको एक स्पेक्ट्रा नजर आएगा इस तरीके से, तो इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब इसमें हम देखेंगे कि हमको डार्क लाइंस मिल रही है, वी गॉट डार्क लाइंस, ओके, इन कलर बैकग्राउंड। कलर बैकग्राउंड मतलब जो पास हुआ है वो कलर बैकग्राउंड में दिखेगा, और जो एब्जॉर्ब हुआ है, जैसे ये हाइड्रोजन एटम में कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया है, तो जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब किया है वो हमें डार्क लाइंस के फॉर्म में दिखेगी, डार्क लाइंस। सो दीज डार्क लाइंस considered as a absorbed lines, तो इसने जो भी absorb किया wavelength, वो wavelength के जगह पे हमें dark lines दिखेंगी। तो ये dark lines मतलब जो wavelength इसने cold hydrogen gas ने absorb किया, क्योंकि light में तो पूरे बहुत सारे wavelengths है, white light में बहुत सारे wavelengths है, तो hydrogen gas क्या करेगा, एक particular wavelength absorb करेगा, और जो wavelengths absorb किया वो absorption spectra में dark lines के रूप में दिखेंगी हमें। ओके, दीज लाइंस आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्पेक्ट्रल लाइंस, क्योंकि ये स्पेक्ट्रा में दिख रही है और ये लाइन के फॉर्मेट में है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रल लाइंस। ओके, तो ये डार्क लाइंस को हम बोलेंगे स्पेक्ट्रल लाइंस। ओके, दिस इज द सिंपल फिनोमिना ऑफ क्रिएटिंग द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ओके, नाउ नेक्स्ट वील सी द types of the absorption spectrum. Okay, दिख रहा है ना स्लाइड? Yes, sir. Okay. तो ये हमने पढ़ा absorption spectra. कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, हैंग हो रहा है कंप्यूटर, ठीक है, इसलिए स्लो दिख रहा होगा तुम्हें, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द टाइप्स ऑफ, अभी absorption spectra मैंने बताया कि कोल्ड हाइड्रोजन गैस है वो एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, तो जो भी वेवलेंथ एब्जॉर्ब किए वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में हम वर्टिकल ब्लैक लाइंस के टर्म्स में दिखते हैं। अब टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे, तो तीन टाइप्स के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होते हैं, एक कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एक लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एक बैंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो तीन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होते हैं, तीन टाइप के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा रहेंगे, कंटिन्यूअस, लाइन एंड बैंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ओके, तो अब देखेंगे कि कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कैसे आता है। ओके, ये सिंपल डायग्राम है, इसको अंडरस्टैंड करो। व्हाइट लाइट, ये है व्हाइट लाइट जिसमें सेवरल कलर्स होते हैं। व्हाइट लाइट में मैंने बताया कि सेवरल कलर्स होते हैं, सात कलर्स, अगर उसको डिस्पर्शन अगर प्रिज्म के थ्रू पास करोगे तो सात कलर्स दिखेंगे। तो ये व्हाइट लाइट को मैं क्या कर रहा हूँ, एक ग्रीन ग्लास प्लेट जो दिख रही है ना, ग्रीन ग्लास प्लेट से पास कर रहा हूँ। तो ग्रीन ग्लास प्लेट है,
व्हाइट लाइट में तो ग्रीन कलर है, ओके तो ग्रीन ग्लास प्लेट क्या करेगी, ग्रीन कलर को अलाउ करेंगी, बाकी सब कलर को ब्लॉक कर देगी। तो ग्रीन ग्लास प्लेट क्या कर रही है, व्हाइट लाइट के सारे कलर्स को ब्लॉक कर रही है और सिर्फ ग्रीन कलर पास कर रही है। और फिर जब ग्रीन कलर ग्रीन ग्लास प्लेट से सिर्फ ग्रीन कलर पास हुआ, क्योंकि ग्रीन कलर व्हाइट लाइट में ग्रीन कलर था, ग्रीन के अलावा को और भी कलर थे, लेकिन सारे कलर्स क्या हो गया, ग्रीन प्लेट ने अब्सॉर्ब कर लिया, सिर्फ ग्रीन कलर को अलाउ किया, और वो जो ग्रीन कलर पास होगा प्रिज्म में से, तो हमें जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मिलेगा दैट इज कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इस कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में क्या होगा, पूरे डार्क बैंड्स होंगे, सिर्फ बीच में जो ग्रीन कलर पास होगा उसमें ग्रीन बैंड दिखेगा। ओके, ग्रीन बैंड, बैंड मतलब क्या होता है, एक रेंज, रेंज ऑफ वेवलेंथ, ओके, रेंज ऑफ एक ग्रीन कलर का बैंड दिखेगा, दैट इज कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। क्योंकि ये ग्रीन ग्लास प्लेट थी, ग्रीन कलर को अलाउ किया, बाकियों को ब्लॉक किया, तो हमको जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मिलेगा दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब इस प्लेट की जगह अगर हम कोई दूसरी कलर की प्लेट रखेंगे, ब्लू ग्लास प्लेट लगेंगे तो इधर ब्लू मिलेगा, रेड रखेंगे तो रेड मिलेगा, बाकी सब कलर ब्लॉक कर देगा। ओके, तो ये है कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, और बाकी पूरा डार्क बैकग्राउंड पे एक कलर का बैंड दिखेगा, दैट इज कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का लाइन का ही मतलब है, लाइन दिखना चाहिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में। ओके, जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुई उसकी लाइन दिखेगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करो व्हाइट लाइट, फिर से व्हाइट लाइट पे आ गया मैं, व्हाइट लाइट में बहुत सारे कलर्स है, बहुत सारी वेवलेंथ्स है। व्हाइट लाइट का यूज हम इसलिए कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में क्योंकि व्हाइट लाइट में सेवरल वेवलेंथ्स होती है, सेवरल कलर्स ऑफ वेवलेंथ होती है, ठीक है। अब इस व्हाइट लाइट को क्या किया मैंने, सोडियम वेपर से क्या किया, पास किया। सोडियम वेपर मतलब सोडियम एटम का वेपर, सोडियम एटम को हीट किया, उसका वेपराइज कर लिया, तो ये सोडियम वेपर है। तो ये सोडियम वेपर को मैंने व्हाइट लाइट पास किया उसमें, तो सोडियम वेपर क्या करेगा, व्हाइट लाइट में से कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। जो वेवलेंथ उसने एब्जॉर्ब किया, ये जो स्पेक्ट्रा दिख रहा है, दिस इज लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, उसमें दो लाइंस दिख रहे हैं हमको, डार्क लाइंस। क्यों दो लाइन डार्क लाइंस दिख रहे हैं, क्योंकि सोडियम ने क्या किया, ये दो ही वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया, बाकियों को नहीं किया, बाकियों को जाने दिया, बाकियों को जाने दिया, क्योंकि व्हाइट लाइट में सेवरल कलर्स होते हैं, व्हाइट लाइट को बाकियों के बाकी वेवलेंस को उसने पास कर दिया, तो बाकी वेवलेंस जब पास होगी तो कलर दिखेगा बाकियों का, और जो वेवलेंस उसने ब्लॉक किया, जो वेवलेंस उसने एब्जॉर्ब किया, उस वेवलेंस की दो लाइंस दिखेंगी, दैट टू लाइंस आर कॉल्ड एब्जॉर्प्शन लाइंस ऑफ सोडियम। ओके, एंड दिस स्पेक्ट्रा इज कॉल्ड लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, और ये जो दो लाइंस दिखेंगे दैट इज D1 एंड D2, उसको बोलते हैं सोडियम के D1 और D2 लाइंस। उसका वेवलेंथ कितना होता है, 589 एंगस्ट्रॉम एंड 589.6 एंगस्ट्रॉम। तो दीज आर दी एब्जॉर्प्शन लाइंस, विच एब्जॉर्प्शन लाइन, सोडियम के एब्जॉर्प्शन लाइन, क्योंकि सोडियम वेपर रखा। अब सोडियम वेपर की जगह तुम दूसरा भी एलिमेंट रख सकते हो, उसका भी एब्जॉर्प्शन चेक कर सकते हो। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में क्या होगा, डार्क लाइंस ऑन कलर बैकग्राउंड। ये मैंने बताया था जब हम डिफरेंस देख रहे थे, तो बोला था कि डिफरेंस क्या है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में, डार्क लाइंस ऑन कलर बैकग्राउंड, और इमिशन स्पेक्ट्रा में डार्क बैकग्राउंड पे कलर्ड लाइंस दिखते हैं, ठीक है। दिस इज लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब बैंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या है, बैंड मतलब एक रेंज दिखेगा, लाइन लाइन सारे लाइंस को अगर मिला दिया हमने तो बैंड तैयार होगा। ये तो लाइन है एक पर्टिकुलर वेवलेंथ, और बहुत सारे लाइंस को मिला के बहुत सारे वेवलेंथ आ गई तो बैंड हो गया वो, ठीक है। तो बैंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ये देखो, जैसे ही हमने व्हाइट लाइट का यूज कर रहे हैं क्योंकि व्हाइट लाइट में सेवरल वेवलेंथ होता है। अब ये व्हाइट लाइट को हमने आयोडीन वेपर या ब्लड के सॉल्यूशन या फिर क्लोरोफिल सॉल्यूशन से पास किया तो हमको बैंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मिलेगा। देखो बैंड एब्जॉर्प्शन और लाइन एब्जॉर्प्शन में क्या फर्क है, लाइन एब्जॉर्प्शन में सिर्फ लाइंस दिख रही थी, यहाँ क्या एक पोर्शन दिख रहा है ब्लैक, दैट इज बैंड, ये पोर्शन दिख रहा है ब्लैक। तो ब्लैक पोर्शन क्या हो रहा है, कलर्ड पोर्शन के बीच में ब्लैक पोर्शन दिख रहा है, दैट इज ब्लैक बैंड। ओके, दैट इज बैंड, तो इट इज बैंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ये कब मिलेगा, जब अगर तुमने आयोडीन वेपर से किस व्हाइट लाइट को पास किया, क्लोरोफिल सॉल्यूशन से व्हाइट लाइट को पास किया, या ब्लड डाइल्यूट ब्लड में से व्हाइट लाइट को पास किया, तो तुम्हें बैंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मिलेगा। बैंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मतलब डार्क बैंड्स। ओके, कलर पोर्शन सेपरेटेड बाय डार्क बैंड्स, तो ये डार्क बैंड्स दिखेंगे, ठीक है। कंटिन्यूअस में कंटिन्यूअस रेंज दिखेगा, लाइन में लाइंस दिखेंगे, और बैंड में एक बैंड्स दिखेंगे। तो इस तरीके से डिस्टिंग्विश करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को, कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एंड
बैंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इसी तरीके से इमिशन के भी तीन ही टाइप होते हैं, कंटिन्यूअस, लाइन और बैंड। अब इमिशन और एब्जॉर्प्शन में फर्क क्या है? एब्जॉर्प्शन में तुम लाइट सोर्स के बीच में ऑब्स्टेकल रख रहे हो, एब्जॉर्ब करने दे रहे हो, या तुमने ग्लास प्लेट रखी, या तुमने सोडियम वेपर रखा, या तुमने आयोडीन वेपर क्लोरोफिल रखा। लेकिन वहां तुम ऐसा करोगे क्या? वहां तुम ऐसा नहीं करोगे, वहां तुम सोर्स से जो भी लाइट इमिट हो रही है उसको तुम एनालिसिस करोगे, क्योंकि वो इमिशन स्पेक्ट्रा तुमको एनालिसिस करना है। या एब्जॉर्प्शन के लिए कुछ ना कुछ मीडियम रखना पड़ेगा ना एब्जॉर्प्शन करने के लिए, तब जाके तुम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एनालिसिस कर सकते हो। इमिशन स्पेक्ट्रा को डायरेक्ट एनालिसिस कर सकते हो, सोर्स में से कुछ भी लाइट आ रही है उसका इमिशन चेक करो। ओके, तो इमिशन स्पेक्ट्रा का मीनिंग क्या होता है? ओके, दिस इज इमिशन स्पेक्ट्रा। ओके, तो व्हाट इज इमिशन स्पेक्ट्रा? व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम सोर्स इज डायरेक्टली एग्जामाइंड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सोर्स में से आ रहे हो, तुम डायरेक्टली उसको एग्जामाइन कर रहे हो, डायरेक्टली उसको चेक कर रहे हो, तो दैट विल गिव यू इमिशन स्पेक्ट्रा। तो इमिशन स्पेक्ट्रा कब मिलता है? जब हमेशा एटम्स एक्साइटेड स्टेट में होते हैं। जब एटम ग्राउंड स्टेट में रहेंगे तो इमिशन स्पेक्ट्रा नहीं, क्योंकि ग्राउंड स्टेट पे तो एटम स्टेबल है, वो कुछ देगा ही नहीं, वो ना वो लाइट इमिट करेगा ना कुछ करेगा। जब वो अनस्टेबल रहेगा तभी, अगर एटम को तुमने क्या कर दिया, हीट दे दिया, तो हीट दे दिया तो एटम वाइब्रेट करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा और हीट छोड़ना शुरू कर देगा, हीट इमिट करना शुरू कर देगा। जैसे मैंने बोला था मेटल सरफेस को तुमने हीट कर दे तो उसमें से हीट निकलेगी, रेडिएट करेगा। तो कब रेडिएट करेगा? जब उसको हीट दिया, हीट दिया तब तभी उसके अंदर के एटम्स एक्साइटेड स्टेट में गए, तभी हमें इमिशन स्पेक्ट्रा मिलेगा। व्हेन एटम्स विल गो इनटू द एक्साइटेड स्टेट, एट दैट टाइम विल गेट द इमिशन स्पेक्ट्रा। ओके, तो व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम सोर्स इज डायरेक्टली एग्जामाइन, डायरेक्टली हम अगर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सोर्स में से आते हैं, हम उसको डायरेक्टली एग्जामाइन करते हैं, डायरेक्टली चेक करते हैं स्पेक्ट्रोमीटर से, सो दैट वी विल गेट द इमिशन स्पेक्ट्रा। तो हमें इमिशन स्पेक्ट्रा मिलता है। ओके, तो अभी ये सिंपल देखो, हॉट सोर्स ऑफ लाइट एब्जॉर्प्शन में भी हॉट सोर्स ऑफ लाइट हमने देखे थे, कोई भी टंगस्टन का फिलामेंट है जो हीट कर रहे हो, या फिर सनलाइट है जो भी सोर्स है, तो उसमें हमने क्या बीच में एब्जॉर्बिंग मटेरियल रखा था। इसमें एब्जॉर्बिंग मटेरियल रखने की जरूरत नहीं है, ये क्या कर रहा है? हॉट सोर्स ऑफ लाइट लाइट को इमिट कर रहा है, हीट को इमिट कर रहा है, तो जो रेडिएशन इमिट कर रहा है डायरेक्टली एग्जामाइन करना है। देखो ये लाइट इमिट कर रहा है प्रिज्म से, हम इसको डायरेक्टली एग्जामाइन करेंगे, तो डायरेक्टली एग्जामाइन करेंगे तो ये सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट है, उसको प्रिज्म के थ्रू पास किया, व्हाइट लाइट में कंपोनेंट होते हैं कलर्स के, तो ये देखो कलर स्पेक्ट्रा मिल गया, इमिशन स्पेक्ट्रा। तो व्हाइट लाइट का इमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है? कलर्ड स्पेक्ट्रम पूरा, फ्रॉम वायलेट टू रेड इमिशन स्पेक्ट्रा, और ये कंटिन्यूअस है, बीच में कोई भी इंटरप्शन नहीं है, कलर का एक बैंड है, कंटिन्यूअस बैंड है, बीच में ना कोई डार्क पोर्शन है ना कोई लाइट पोर्शन है, एकदम कलर का एक बैंड है, तो दैट इज कॉल्ड इमिशन स्पेक्ट्रा। हॉट लाइट के इमिशन को, हॉट सोर्स ऑफ लाइट के इमिशन को, वहां से जो भी लाइट मिल रही है उसको डायरेक्टली एग्जामिन कर रहे हैं प्रिज्म से या स्पेक्ट्रोमीटर से, और डायरेक्टली हमें क्या मिल रहा है? इमिशन स्पेक्ट्रा। दैट इमिशन स्पेक्ट्रा इज कंटिन्यूअस, इसलिए इसको कंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रा भी बोलेंगे। इसमें कोई लाइन वाइन नजर नहीं आ रही, इसमें कोई बैंड अलग से डार्क बैंड वगैरह कुछ नजर नहीं आ रहा, इसलिए इसको कंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रा बोलेंगे। तो इमिशन स्पेक्ट्रा के भी तीन टाइप्स होते हैं, कौन कौन से? देर आर थ्री टाइप्स बेसिकली एब्जॉर्प्शन, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, सेम हियर देर आर थ्री टाइप्स ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रा, कंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रा, लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा, बैंड। कंटिन्यूअस अभी हमने जो देखा वो कंटिन्यूअस था, हॉट सोर्स ऑफ लाइट उसमें प्रिज्म से पास करो तो कंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रा मिलेगा, एकदम कंटिन्यूअस कलर बैंड मिलेंगे। अब लाइन कैसे मिलेगा? देखो एग्जाम्पल, हमने एब्जॉर्प्शन में सोडियम लाइन्स का पढ़ा था, सोडियम जो लाइन्स एब्जॉर्ब करता है वो डार्क पोर्शन में देंगे दिखते हैं। अब सोडियम जो लाइट इमिट करेगा, वो लाइन्स हमें कलर दिखेंगे, बाकी पूरा डार्क दिखेगा। उसमें क्या हुआ था? सोडियम जो लाइट एब्जॉर्ब करता था वो डार्क दिखते थे, बाकी कलर दिखता था। इसमें क्या करेगा? सोडियम लाइट जो छोड़ेगा, इमिट करेगा, वो हमें कलर लाइंस दिखेंगे डार्क बैकग्राउंड पे। तो देखो ये फॉर एग्जांपल ये सोडियम गैस है, हॉट गैस ऑफ सोडियम को हीट कर दिया, वेपराइज कर दिया, एक्साइटेड स्टेट में चले गए सोडियम एटम्स, और फिर वो सोडियम एटम जो भी रेडिएट कर रहे हैं, जो भी वेवलेंथ इमिट कर रहे हैं, उसको मैंने प्रिज्म से एनालाइज किया तो हमें सिर्फ दो कलर येल्लो लाइन्स दिखे सेम वेवलेंथ पे। जिस वेवलेंथ पे हमको एब्जॉर्प्शन लाइन्स दिखे तो सेम वेवलेंथ पे, क्योंकि जो एलिमेंट है वो सेम ही है, सोडियम ही है। सोडियम वहां दो वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब करता था, यहाँ पे भी दो ही वेवलेंथ पे रेडिएट करेगा, लेकिन स्पेक्ट्रा में फर्क है। वहां पे डार्क लाइंस दिखे थे, यहाँ कलर्ड लाइंस दिख रहे हैं, येलो लाइंस दिख रहे हैं डार्क बैकग्राउंड में, वहां कलर बैकग्राउंड में हमें
डार्क लाइंस दिखे थे। तो ये सोडियम के एटम्स एक्साइटेड स्टेट में है क्योंकि हीट किया तो उसको क्या बन गया, सोडियम का हॉट गैस बन गया। फिर ये सोडियम का हॉट गैस बनने से वो कुछ ना कुछ रेडिएशन इमिट करेगा। तो उस वो जो इमिटेड रेडिएशन है हमने प्रिज्म से एनालिसिस किया, इसका एनालाइज किया तो हमें दो कलर्ड लाइंस दिखे। दिस कल दो कलर्ड लाइंस को क्या बोलेंगे, D1 एंड D2 सोडियम लाइंस। दे आर इमिशन लाइंस, वहां एब्जॉर्प्शन लाइंस थे, इमिशन लाइंस, इसलिए कलर कलर दिखेगा, येलो कलर दिखेगा और बाकी पूरा डार्क बैकग्राउंड दिखेगा। सिर्फ दो वेवलेंथ्स ऑफ लाइट इमिट करता है सोडियम, सिर्फ दो वेवलेंथ्स ऑफ लाइट एब्जॉर्ब भी करता है सोडियम एट द सेम वेवलेंथ 589 एमस्ट्रॉन्ग एंड 589.6 एमस्ट्रॉन्ग। ओके, तो दिस इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रा, लाइन्स इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ सोडियम। दिस इज कंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रा, दिस इज लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा, बैंड इमिशन स्पेक्ट्रा। बैंड में तुम्हें पता है एक रेंज दिखेगा, ठीक है, यहाँ बैंड में रेंज दिखेगा। तो कैसे, बैंड जो स्पेक्ट्रा होता है हमेशा बैंड स्पेक्ट्रा मॉलिक्यूल्स देते हैं। तो बैंड स्पेक्ट्रा, बैंड इमिशन स्पेक्ट्रा आर ऑल्सो कॉल्ड एज मॉलिकुलर स्पेक्ट्रा। बैंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इज ऑल्सो कॉल्ड एज मॉलिकुलर स्पेक्ट्रा। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा अगर बैंड के फॉर्म में हो, एब्जॉर्प्शन इमिशन स्पेक्ट्रा अगर बैंड के फॉर्म में हो, तो उसको मॉलिकुलर स्पेक्ट्रा भी बोलते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स ही देते हैं ये चीज। वहां आयोडीन मॉलिक्यूल हो, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हो, तो वहां एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा दिया था बैंड एब्जॉर्प्शन। या हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मतलब हाइड्रोजन दो एटम से बना है, यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अगर मैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को मैंने हीट कर दिया तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, वाइब्रेट होंगे तो वो कुछ चीज़ें, कुछ वेवलेंथ और कुछ लाइट इमिट करना शुरू करेंगे। तो उस इमिशन को अगर हमने प्रिज्म से एनालिसिस किया तो हमको बहुत सारे लाइंस दिखेंगे एक के पास एक पे, और बीच में सेपरेटेड बैंड दिखेगा, ब्लैक बैंड। कलर बैंड्स और कलर रीजन इज सेपरेटेड बाय डार्क बैंड। ओके, सो दिस इज कॉल्ड बैंड इमिशन स्पेक्ट्रा, क्योंकि इसमें डार्क बैंड है, कलर बैंड सेपरेटेड बाय डार्क बैंड, दैट इज इमिशन, बिकॉज वी आर गेटिंग दिस इमिशन स्पेक्ट्रा बिकॉज ऑफ द इमिशन ऑफ हॉट गैस ऑफ सोडियम, हाइड्रोजन गैस इमिट कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक्साइटेड स्टेट में है हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, क्योंकि हमने उसको हीट किया है। वैसे सोडियम के मॉलिक्यूल जब एक्साइटेड स्टेट में थे, जब हीट किए थे, तो हमें क्या मिला था, लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा। लेकिन मॉलिक्यूल को जब हीट करेंगे हमेशा बैंड स्पेक्ट्रम मिलेगा, बैंड इमिशन स्पेक्ट्रा मिलेगा। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द इमिशन स्पेक्ट्रा, कंटिन्यूअस, लाइंस एंड बैंड इमिशन स्पेक्ट्रा। तो डिफरेंस क्या, लाइन में लाइन दिखेगी, कंटिन्यूअस में कोई भी इंटरप्शन नहीं दिखेगा, और बैंड में एक बैंड दिखेगा, एक रेंज दिखेगी डार्क बैंड्स की। ओके, सो इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में ये टाइप्स, और इमिशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, यही चीज़ें इस पोर्शन में इम्पॉर्टेंट है। ओके, और तो कुछ है नहीं। तो इसमें डिटेल में जब क्वेश्चंस आता है तो ये क्वेश्चंस आता है कि एक्सप्लेन एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन स्पेक्ट्रा। तो एब्जॉर्प्शन के बारे में लिखना है, उसके टाइप्स लिखने हैं, इमिशन के बारे में लिखना है, उसके टाइप्स लिखने और एग्जांपल लिखने हैं। अगर पूछता है कि डिफरेंस स्टेट द डिफरेंस बिटवीन इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, तो डिफरेंस इस तरीके से स्टेट करना है। इसमें एग्जाम, इसमें अगर ज़्यादा मार्क्स के लिए आया तो और भी ज़्यादा पॉइंट्स इसमें कवर कर सकते हैं। अभी मैंने जो आगे समझाया उसमें से भी तुम कुछ पॉइंट्स ले सकते, डायग्राम ले सकते डिस्टिंग्विश करने के लिए, ठीक है। ये तो सिंपल अगर 2-3 मार्क्स के लिए आएगा तो इतने पॉइंट सफिशियंट है। अगर ज़्यादा के लिए पूछता है तो तुमको और डिटेल में उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर, एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन स्पेक्ट्रा। तो हम समराइज करते हैं इसको। स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम मैंने बताया कि क्या होता है कि तुम्हारा जो भी इंटेंसिटी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, इमिट हो रही है, उसको वेवलेंथ और एनर्जी के टर्म्स में जब रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ में या एक इमेज में, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। और कलेक्शन ऑफ स्पेक्ट्रम इज स्पेक्ट्रा। सिंपली डिस्पर्शन फिनोमेना तुम्हें पता है कि जब व्हाइट लाइट प्रिज्म पे पड़ती है तो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। दिस इज कॉल्ड कलर स्पेक्ट्रम और विजिबल स्पेक्ट्रम। फिर हमने पढ़ा कि किस तरीके से एब्जॉर्प्शन होता है। तो एटम जब एटम एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो हायर स्टेट में जाएगा, इसको एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। और एटम्स जब हायर स्टेट में गया तो नीचे आएगा, ग्राउंड स्टेट पे कुछ एनर्जी इमिट करेगा, इसको इमिशन बोलते हैं। इमिशन और एब्जॉर्प्शन का मैंने एग्जांपल दिया था कि किसी गर्म चीज़ पे हाथ रखो, हीट तुम एब्जॉर्ब करोगे, गर्म चीज़ हीट इमिट करेगी। ओके, फिर हमने पढ़ा था कि डिफरेंस क्या होता है, ये डिफरेंस भी मैंने स्टेट किया, इसके एग्जाम्पल स्टेट किए। ये बहुत ईजी है डिफरेंस, बस अगर तुमको दोनों के बारे में पता चला तो तुम उसका डिफरेंस स्टेट कर सकते हो। फिर हमने पढ़ा कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है, एब्जॉर्बिंग मटेरियल बीच में रखना चाहिए। एब्जॉर्बिंग मटेरियल रखोगे तभी जाके वो कुछ वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा, और जो वेवलेंथ उसने एब्जॉर्ब किया
वहाँ जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है वहाँ डार्क लाइंस दिखेंगे तुम्हें, जो एब्जॉर्ब किया जिस वेवलेंथ एब्जॉर्ब किया उसी वेवलेंथ पे डार्क लाइंस दिखेंगे, दैट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। फिर हमने पढ़े तीन टाइप्स के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होते हैं, कंटिन्यूअस में और लाइन और बैंड। कंटिन्यूअस में क्या होता है, जो कलर की प्लेट रख रहे हो वो कलर कलर को अलाउ करेगा, बाकी सब ब्लॉक करेगा, और एक रेंज दिखेंगी उस कलर की इन बिटवीन द डार्क बैंड्स, तो दैट इज कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। फिर लाइन में हमने देखा कि जो भी एलिमेंट रखोगे वो जिस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, जिस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा उसके इसमें लाइंस दिखेंगे, जैसे सोडियम दो ही वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है D1 एंड D2, तो इसलिए डार्क लाइंस दिखते हैं कलर बैकग्राउंड पे। बैंड में क्या हो रहा है, आयोडीन वेपर रखो, क्लोरोफिल सॉल्यूशन लगो, उसमें से व्हाइट लाइट पास करो तो डार्क बैंड्स दिखेंगे, बैंड्स मतलब पूरा वेवलेंथ रेंज दिखेगा डार्क कलर का, तो उस डार्क उस कलर स्पेक्ट्रम में दो डार्क बैंड्स दिखेंगे, दैट इज बैंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। फिर हमने इमिशन पढ़ा, इमिशन में कोई एब्जॉर्बिंग मटेरियल रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सोर्स से जो भी चीज इमिट हो रही है उसको एनालिसिस करते हो तो इमिशन स्पेक्ट्रा मिलता है, जैसे इस सोर्स से लाइट इमिट हो रही है उसको प्रिज्म से एनालिसिस करूंगा इमिशन स्पेक्ट्रा मिल रहा है। टाइप ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रा हमने तीन टाइप्स पढ़े, कंटिन्यूअस, लाइन एंड बैंड। कंटिन्यूअस मतलब अभी जो मैंने बताया डायरेक्ट डायरेक्ट व्हाइट लाइट का एनालिसिस करेंगे तो कंटिन्यूअस मिलेगा, अगर किसी भी एटम्स को एक्साइटेड स्टेट में रखा है, सोडियम एटम को हीट कर रहे तो वो दो वेवलेंथ को इमिट करेगा, सेम वेवलेंथ जो वेवलेंथ उसने एब्जॉर्ब किया था। साथ में अगर मॉलिक्यूल रखेंगे, बैंड इमिशन स्पेक्ट्रा इज ऑल्सो कॉल्ड मॉलिकुलर स्पेक्ट्रा, मॉलिक्यूल रखेंगे, मॉलिक्यूल वाइब्रेट होगा तो एक बैंड के फॉर्म में हमें स्पेक्ट्रा दिखेगा, दैट इज कॉल्ड बैंड इमिशन स्पेक्ट्रा। तो इस तरीके से ये हमारा फर्स्ट पोर्शन ऑफ यूनिट 3 कंप्लीट हुआ। सेकेंड पोर्शन है हमारा एक्सरे, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, एक्सरे इतना इंपॉर्टेंट पोर्शन है।